दोस्तों आपने एकदम सही जगह क्लिक किया है। आज मैं आपको दोस्तों बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले सभी को मेरा राम राम। ठीक है, जितने भी मेरे भाई एंड बहन जो सारे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो जो हैं अब बहुत ही उनके लिए एक खुशखबरी है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी दोस्त जितने भी हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही एक बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी मिली है। वो क्या है कि एनआरए, अब क्या होगा बच्चों, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लाई गई है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जिसे बोलेंगे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। ये क्या करेगी बच्चों, ये एक एग्जाम लेगी जिसका नाम दिया है सीईटी, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है बच्चों, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये क्या करेगी, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे और हम आगे चीजों को प्रोसीड करेंगे। देखो एक्चुअली क्या होता था, पहले बहुत सारी समस्या होती थी, ठीक है, बच्चों को कि भाई पेपर, मतलब क्या होता था कि भाई एग्जाम जो है बहुत सारे, मतलब फॉर्म भर दिए, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म भरे। अब होता क्या था कि मान लो उसने बैंक का भी फॉर्म भरा है, एसएससी का भी फॉर्म भरा है, रेलवे का भी फॉर्म भरा है। होता क्या था कि एसएससी का एग्जाम बैंक के एग्जाम के साथ कभी कभार क्लैश हो जाता था, या मान लो डीआरडी हो गया, आर्मी की वैकेंसी होगी, स्टेट पुलिस की वैकेंसी होगी, स्टेट एग्जाम हो गए, सीटेट का एग्जाम हो गया, या फिर कोई भी टीचर वैकेंसी हो गई, तो क्या होते थे, एलडीसी की वैकेंसी हो गई और अदर्स एग्जाम। वहां पर क्या होता था कि दो, मतलब दो एग्जाम एक साथ क्लैश हो जाने के बच्चों की फिर प्रॉब्लम होती थी कि बच्चा उस एग्जाम को एक को दे पाता था, एक को नहीं दे पाता था। अब ये टेंशन दूर हो गई है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अभी समझेंगे। अब हर साल जितने भी, देखो हर साल जो गवर्नमेंट है 1.5 लाख जो है रिक्रूटमेंट निकालती है अराउंड, ठीक है, और उसके लिए कम से कम 3 करोड़, ठीक है, सीआर 3 करोड़ बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो है ये जो जितनी वैकेंसी है मेनली देखो, इसके अंदर सीईटी के अंदर 3 एजेंसियां शामिल हुई हैं। एक है हमारी एसएससी, एक है हमारी रेलवे, ठीक है, और एक है हमारी बैंकिंग, बैंक, ठीक है, तो एक मिनट, रेलवे, ठीक है, और एक है बैंक। बैंक में क्या है बच्चों, बैंक में ना आपका जो आईबीपीएस है, आईबीपीएस, तो आईबीपीएस जो होता है इंडियन बैंकिंग पर्सनल सेक्टर, ये एक आपकी एजेंसी थी जो कि क्या करती थी बच्चों, आपका एग्जाम, रेलवे लिख रहा था, ठीक है, आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती थी। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम कंडक्ट कराती थी। अब ये तीनों एजेंसी क्या होगी, इनके थ्रू एग्जाम को लेंगी। अब थोड़ी सी बेसिक चीजों को जानते हैं, क्या होगा बच्चों कि ये जो है सीईटी एग्जाम जो है वो आपका एक साल में 2 बार कंडक्ट होगा। कितनी बार कंडक्ट होगा, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स कंडक्ट होगा, और इसका जो स्कोर कार्ड है, इसका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड होगा आपका 3 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए वैलिड होगा, 3 ईयर के लिए वैलिड होगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है कि कोई बच्चा मान लो, अच्छा एक कोई बच्चा मान लो सपोज एक एग्जाम देता है, एक साल के पहला अटेम्प्ट दिया उसने सीईटी का, उसके नंबर मान लो उसमें पास हो गया वो, मगर उसके अच्छे मतलब कट ऑफ जो भी उसकी परसेंटेज आए उसे मतलब सुटेबल नहीं लगी कि भाई चलो कम है, तो वो क्या करेगा, वो जो दूसरा एग्जाम देगा। अब वो जो दूसरा एग्जाम देगा, सेकंड वाला अटेम्प्ट देगा, उस अटेम्प्ट का मतलब वो उसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नंबर कम है, सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा आ गए, तो सेकंड अटेम्प्ट के नंबर को काउंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी अटेम्प्ट दो, नो लिमिट। हाँ, जो भी एज से रिलेटेड लिमिट है, सारी जो भी एज से रिलेटेड लिमिट है एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की, जैसे एसएससी में आपका किसी में 25 साल, किसी में 28 साल, किसी में सीजल की जॉब के लिए 30 साल होते थे, ठीक है, बैंकिंग में 28 कलर के लिए, 30 PO के लिए होता था, रेलवे में आपका 32 साल, 30 साल, तो वो सब अपना जो एजेंसी है वो जिन्होंने सेट कर रखा है वो उसी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। एसएसटी ओबीसी जो रहता था वही रहेगा, ठीक है, तो एग्जाम की नो लिमिट रहेगी। जो मैंने बताया आपको स्कोर कार्ड जो होगा वो बेस्ट जो परफॉर्म करेगा उसको ऐड करा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं।
अब शुरू में तो स्टार्टिंग इन तीन एजेंसियों को मतलब सीईटी के थ्रू अंडर में लाया गया है, एनआरए जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके थ्रू लाया गया है। बट आगे आने वाले टाइम पे 1-2 साल बाद, मतलब एक कम से कम इसे 1 साल तो लगेगा ही, ठीक है, तो क्या होगा जो डीआरडीओ जैसे जो एग्जाम लेता है एमटीएस या फिर जो भी टेक्नीशियन मतलब जो भी वैकेंसी लेता है वो हो गया, या फिर स्टेट पुलिस हो गया, स्टेट एग्जाम हो गए, है ना, स्टेट एग्जाम हो गए, स्टेट पुलिस हो गई, तो ये सारे जो एग्जाम हैं आपके ये भी इसके अंडर आ सकते हैं। जितनी भी राज्य सरकार है सभी क्या करेंगी, ये एग्जाम कंडक्ट मतलब इस एग्जाम के थ्रू जो स्कोर कार्ड होगा बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों कि ये जो एग्जाम होगा ये एग्जाम आपका प्री एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है? ये एग्जाम जो होगा आपका प्री एग्जाम है। अभी इस एग्जाम के बारे में एग्जाम पैटर्न अभी कुछ नहीं बताया है, वो बता देंगे बाद में जैसा भी होगा, ये आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर लग जाएंगे अभी तक मे बी, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, क्वेश्चन कितने होंगे, कुछ भी अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये प्री का एग्जाम होगा, इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम सभी बच्चे देंगे। जो बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, तो सपोज मान लो उसे बैंकिंग में जाना है, तो बैंक जो है आईबीपीएस जो है वो अपना एग्जाम सेपरेट खुद मेंस का एग्जाम लेगी फिर उसे सेलेक्ट करेगी। ऐसे ही एसएससी मेंस का एग्जाम लेगी उसे सेलेक्ट करेगी। ऐसे ही आपका रेलवे का एग्जाम होगा जो रेलवे बोर्ड है वो सेलेक्ट करेगी। जैसे आपका ये इस बेसिस पे है, जैसे आईआईटी जो है या फिर जेईई का जो एग्जाम होता है या नीट का एग्जाम होता है, ठीक है, जो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है, उसी के बेसिस पे ये एक मतलब बेस बनाया गया है कि जैसे पहले AIEEE होता था, तो अब भाई NET नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम लेती है, उसके बेसिस पे जेईई में और फिर NITs में सारे में एडमिशन होते हैं और अदर कॉलेज में ले लेते हैं। तो इस तरीके से यहां पर क्या हो गए, एंट्रेंस एग्जाम होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ध्यान समझिएगा, इसको मैं रख कर देता हूं कि यहां पर क्या है। देखो पहले क्या होता था, जैसे आईबीपीएस का एग्जाम है तो वो आपका होता था इंग्लिश और हिंदी में, दो लैंग्वेज यूज होती थी। अब क्या है, ये एग्जाम जो होगा सीईटी, ये 12 लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, उन लैंग्वेजेस पे होगा। 12 लैंग्वेज पे जो है ये सारी 12 भाषाएं, 12 भाषाओं पे जो है ये आपका क्या होगा, एग्जाम लिया जाएगा। मतलब इसमें 12 तमिल तेलुगु जो भी है आपकी सारी लैंग्वेज जो है यूज होगी इसमें, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गई कुछ चीजें। चलिए अब क्या है कि भाई जितने सेंटर यहां पर देखो, सेंटर जो है वो कितने बनेंगे, 1000, मतलब कम से कम 1000 सेंटर जो है एवरी डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। सभी से मतलब डिपेंड करता है बच्चों के वहां पर आपके कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, ठीक है। 2 सेंटर भी बना सकते हैं मिनिमम, एक मतलब एक दो जो लोकल एरिया है, जो गांव का एरिया है वहां के, वहां पे भी एक सेंटर को बनाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब सभी जगह सेंटर रहेगा इसका मेंस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट आपको मैंने एक्सप्लेन करी थी कि भाई एज लिमिट जो होगी वो क्या होगी, वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल जैसे पहले चलती थी वैसे ही रहेगी आपकी, ठीक। अच्छा अब सीईटी का एग्जाम देखो, अब एक बार बच्चा 2 बार अटेम्प्ट दे सकता है, आराम से प्रिपरेशन कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज, अब एक बार जो अभी के बच्चे हैं रिसेंटली जो करंट का सिनेरियो है उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूं कि प्लीज आप लोग टेंशन ना लें। जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस है ना, डीपी का फॉर्म आया, तो दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया उसके अंदर, या फिर डीआरडीओ एमटीएस का फॉर्म आया, ठीक है, तो ये फॉर्म है, या फिर आपका जो एसएससी सीजीएल 2020 या फिर एलडीसी का फॉर्म आया है 2020, ये एग्जाम, या आईबीपीएस के जो अभी एग्जाम चल रहे हैं वो, ठीक है, ये सारे एग्जाम जो है बच्चों ये जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। या फिर रेलवे का जो एनटीपीसी एग्जाम है वो, या फिर ग्रुप डी का एग्जाम जो फॉर्म भरे गए थे वो, ये सारे एग्जाम जो है इन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी बातें, तो आप लोग टेंशन ना लें, अब जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे प्रिपरेशन करते रहें। जो मेरे आप लोग जो है मेरे चैनल, मतलब आप ही का चैनल है मेरा क्या है, ठीक है, तो आप लोग उस चैनल पे मैंने सारी वीडियो जो है धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अगर बने रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस एकदम, मैं गारंटेड श्योर कर रहा हूँ कि सिलेक्शन करवा के ही रहूंगा, मिठाई का डब्बा आपसे लेके रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है, मैं 101% कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें,
मैं सारी वीडियो धीरे धीरे अपलोड करता जा रहा हूँ, पहले बेसिक लेवल की, फिर उसके बाद एडवांस लेवल की वीडियो अपलोड करेंगे। बस आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और आगे बढ़ाएं, जिससे कि मेरे को भी थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिले और आप लोग भी इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठा पाएं, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ जो है, जो अभी करंट के बच्चे हैं, प्लीज़ वो लोग टेंशन ना लें इसके रिगार्डिंग, ठीक? तो ये चीज मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो हम मतलब एक रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे कि आपका एक पोर्टल बन गया एनआरए का, और उसके बाद क्या करेगा बच्चा, उसमें अपना रजिस्टर्ड कर देगा, ठीक है? रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद उस पोर्टल पे जाके वो जब भी मान लो उसको करना है, आप सिर्फ पेमेंट, उसने बस सारी डिटेल उसकी सेव हो जाएगी, सिर्फ उसको जाके बस कौन सा फॉर्म मतलब ईयर का है क्या है थोड़ा बहुत चेंज करना होगा, वो सबमिट करके वो पेपर दे देगा, ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से वहां पर आप कर सकते हैं। और यहां पर एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर एक जारी करा जाएगा, जिससे कि बच्चा आपका कोई भी आपका यूज कर सके, मतलब कोई भी बच्चा जो है वो बात कर सके रिगार्डिंग टू NRA एग्जाम, CET एग्जाम, कि भाई कैसे हम एग्जाम देंगे, सेंटर कहाँ होगा, जो भी चीज़ आपको मतलब किसी को भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती थी कि भाई दूर दूर सेंटर, रेलवे के देखो भाई बंदे बच्चे ने भरा है मान लो महाराष्ट्र से, तो अगर वो दिल्ली में रहता है तो उसका दिल्ली में सेंटर ना पड़ के उसे भेज देते हैं महाराष्ट्र, तो बच्चा ट्रैवलिंग में बहुत सारे अलाउंसेज उसके मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गाँव से आते हैं, देहात से आते हैं, उनको नहीं मतलब पे कर पाते तो प्रॉब्लम होती है, तो वो फिर उतनी दूर जाते हैं, फिर वहाँ रुकने का होटल का चार्ज, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ये चीज़ आई है, ठीक है बच्चों? तो बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं चैनल पे, अब मैं आपको थोड़ा सा अपना बस इंट्रोडक्शन बता दूं कि भाई मैं जो हूँ वो मैंने बीटेक की है, ठीक है? थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखो बहुत बच्चों ने मेरे को वीडियो मैसेज करा पर्सनली कि भाई सर आप क्या है, मतलब आप नाम क्या है आपका और क्या करते हैं, मतलब कैसे पढ़ा रहे हैं क्या है, तो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। बीटेक कंप्लीट की है बच्चों मैंने, ठीक है, 2013 में, ठीक। और ये मैंने IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी थी वहाँ से कंप्लीट किया, दिल्ली से, ठीक है। उसमें मेरा कॉलेज था NIEC नॉर्थन इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज शास्त्री पार्क, ठीक है, ये मेरा कॉलेज था, ठीक। अब यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बीटेक कंप्लीट की है। उसके बाद जो है अब मेरा मैंने डिसाइड करा कि यार मुझे ना मेरे को लगता है कि यार बच्चों को देखो, अगर सिंपल सा लॉजिक है मेरा, बस सोचा मैंने कि भाई बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेलेक्ट कराया जाए, ठीक है, अपने मंजिले को पहुंचाया जाए। सपोज़ मान लीजिए अगर मैं मान लो, ठीक है, मैं सपोज़ मान लो कोई बड़ा अफसर बन जाता, मान लो मैं IAS क्वालिफाई करके DM बन गया, ठीक है। अगर मैं DM बन जाता तो मैं मेरे ख्याल से आप लोगों को पढ़ा नहीं पाता, ठीक है, सपोज़ कह रहा हूँ मैं, सपोज़ तो मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पाता। तो उस स्थिति में अब मैं क्या होगा, देखो मैं हजारों बच्चों को जो SSC में सेलेक्ट कराएंगे, रेलवे में सेलेक्ट कराएंगे, तो उससे कितने बच्चों को लाभ मिलेगा, बहुत बच्चों को लाभ मिलेगा, समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वही चीज़ है। तो मैंने उस समय से फिर स्टार्ट किए, मैंने भी प्रिपेयर, ऐसा नहीं है कि मैं, देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी टीचर होता है वो सबसे पहले खुद प्रिपेयर करता है, खुद चीज़ों को समझता है तभी पढ़ा पाता है। कोई भी टीचर कभी भी अपने बचपन से, ये नहीं कि मम्मी के पेट से सीख के आए, ऐसा कोई नहीं हो सकता इंसान, ठीक है, और वो होगा तो वो जीनियस ही होगा, मतलब अनबिलेबल होगा वो, ठीक। तो भाई फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी, प्रिपेयर किया SSC के लिए, फिर उसके बाद जो है बहुत मतलब मेहनत से सारे मतलब किरण की बुक, ये बहुत मतलब 10 बुकों को सॉल्व किया, बहुत प्रिपेयर किया, ठीक है। उसके बाद CGL मेंस जो है, CGL मेंस 3 times मैंने दिया है, ठीक है, CGL मेंस 3 times दिया है मैंने। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा देखो मैं नहीं चाहता था कि मैं मतलब इस चीज़ को मतलब बच्चों को बताऊं, बस मैं ये चाहता था कि यार बच्चे ना वीडियो देखें। देखो एक्चुअली क्या है, कोई भी टीचर क्या होता है कि भाई आप लोगों को बस ना क्या होना, समझना आना चाहिए टीचर के बारे में कि क्या है वो, क्या नहीं है, कितनी पढ़ाई कर रखी है, क्या ये सब मेरे ख्याल से चीज़ें को सोचना नहीं चाहिए। अगर मान लो कोई 12th class का बच्चा भी है, उसे थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं और आप उससे कुछ सीख पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि वो भी एक टीचर है, समझ रहे हैं ना? तो इस चीज़ को समझें। और मेरे ख्याल से मैंने आपको सब चीज़ बता दी है। उसके बाद फिर मैंने जो है 2-3 साल अपने पढ़ाई की, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं यार टीचर ही बनना बेस्ट रहेगा। बाकी मेरी जो पैरेलल कोचिंग भी चलती है, ठीक है, जिसमें मैं अपने 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो ये है। तो भाई अभी तो लॉकडाउन की स्थिति है तो बंद है, सब ऑनलाइन ही चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, जो मैंने बताया, ठीक। और बाकी फैमिली के बारे में कभी ब्लॉग्स बनाएंगे तो मेरा एक चैनल है ब्लॉग्स, ड्रोन पाठशाला ब्लॉग चैनल, उस पर जाके आप देख सकते हैं, वो बाद में मैं कभी इंट्रोड्यूस करूंगा, अभी इतना ही रहने देते हैं। सभी को मेरा राम राम।